साईयो। कब तक यूं ही चिंता में खोई रहेगी? हाँ, मुझे पता था तुम ऐसी ही गुमसुम सी बैठी होगी। मैं तो समझा समझा के इसे हार गई, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने लोगों में से राम जी ने तुम्हें चुना है सेवा के लिए। खुश क्यों नहीं होंगी, लेकिन बिना रुके तो मैं वो बोल भी नहीं पाती, और ना ही मुझे राम रक्षा का पाठ आता है। आना तो दूर, मैंने आज तक कभी राम रक्षा का पाठ सुना भी नहीं है, तो कैसे करूंगी तैयारी? मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कुछ कर पाएगी। ए? लड़की छोड़ो, बस्ती में किसी को भी राम रक्षा का पाठ नहीं आता। बहू, कल तुम मेरे साथ मंदिर में पूजा के लिए बैठोगी, विधि विधान पूजा पाठ में मैं तुम्हें निपुण कर दूंगा। हरिओम जी। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पूजा का मान सावरी को मिल चुका है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका गांव भेदभाव से मुक्त होने की नई दिशा ले रहा है। और फिर हम अभी से क्यों मान के चल रहे हैं कि सावरी पाठ नहीं कर पाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब हमने मना थोड़ी किया है उसे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो? और मुझे नहीं लगता कि वो मंत्रोच्चारण कर पाएगी। हाँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बीमारी बचपन से है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बेहतर यही होगा कि मैं कल जाकर उन्हें मना कर दूं। सावरी, एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश तो करके देख। क्या कर रही है तू? ये जल नहीं रहा, पानी का दिया कैसे जलेगा? वही तो आई, वो पानी कितनी भी कोशिश कर ले तेल नहीं बन सकता। लेकिन साई ने तो पानी से भी दिया जला दिया था। हाँ, अगर साई साथ है तो सब कुछ मुमकिन। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी तब दिवाली पे दिए जलाने के लिए तेल मांगने गंगाराम जी के दुकान पे गई थी। आज का शुभ दिन
तुम जैसे लोगों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। लेकिन हमारी बस्ती के सभी लोग आपसे ही सामान लेते हैं। लेते होंगे लेकिन आज नहीं। फिर हम रोते हुए साई के पास चले गए। और फिर साई ने पानी से दिए जला दिए थे। साई कुछ भी कर सकता है और तेरे सिर पे तो साई का हाथ है, तो फिर चिंता क्यों? श्रद्धा और सबूरी रख। ये मौका सिर्फ तेरे लिए ही नहीं, पूरी बस्ती वालों के लिए एक बड़ा अवसर है। इसे बेकार मत जाने दे, ये तेरा अधिकार है। उस लड़की को उसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या बाबा? अब ये उस लड़की की ही तरफदारी करेगा, धर्म भ्रष्ट करवा के ही छोड़ेगा। मतलब उसे अधिकार बिल्कुल है, मैं उसी पक्ष में हूं, उसे मौका भी दे रहा हूं। लेकिन ये भी सोचो महेश कि अगर पूजा ठीक तरीके से नहीं हुई तो पूरे गांव की आस्था को ठेस पहुंच सकती है, बस्ती के लोगों को भी ठेस पहुंचेगी। और सिर्फ इसलिए मैंने तेजस्वी का नाम प्रस्तावित किया है। हाँ महेश, मुझे नहीं लगता वो लड़की कभी तैयार हो पाएगी। ससुर जी तो कल सुबह से तैयारी शुरू कर देंगे। हरिओम। मैं कभी तैयार नहीं हो पाऊंगी। काश मुझ में आप जैसा आत्मविश्वास होता, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल सुबह ही जाकर बलवंत जी को मना कर दूंगी। लेकिन सावरी नहीं काकी, और कुछ मत कहिएगा। आपकी बात न सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच्चाई से दूर नहीं भाग सकती मैं। और वहां सबके सामने खुद का मजाक उड़वाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैंने तय कर लिया है। साई नाम का एक ही धागा ले जाएगा पार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। अंधियारे हर पथ पे बंदे, साई करे उजाला, हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला, हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। विपदा के क्षण भजता है मन साई बारंबार, बाबा
बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। क्या कर रहे साई? सफाई लाइए साई, हम कर देते हैं। हाँ नहीं, ये काम रामजी ने मुझे ही सौंपा है, और यहां बात सिर्फ सफाई की नहीं है, किसी को साफ साफ रास्ता दिखाने की है। आज सुबह द्वारका माई में झिपरी ने बताया कि सावरी पाठ करने से मना करने वाली। क्यों? इतना बड़ा अवसर है, सौभाग्य है कि वो पाठ करे, इसे खोना क्यों चाहती है वो? मैं जानता हूं कि वो गलती कर रही है, लेकिन पूजा पाठ में किसी को जबरदस्ती तो नहीं बैठाया जा सकता है, शायद उसका मन ना हो। पता नहीं, मुझे लगता है उसका मन तो है लेकिन डर ज्यादा है। साई, आज सुबह सुबह ये सफाई किस लिए? केशव, लोगों के आने जाने के लिए रास्ता साफ करना होगा। उत्सव है ना, लोग रामलला की पालकी के साथ नंगे पांव चलेंगे तो ये कंकड़ चुप सकते हैं। अब ये कंकड़ खुद तो चाहकर भी अपने आप यहां से हट नहीं सकते हैं, किसी ना किसी को तो इसका जिम्मा उठाना ही होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बदलाव आए, किसी का भला हो जाए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव कौन लाएगा, भलाई कौन करेगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उस बदलाव को लाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। सिर्फ बातें करने से या दूसरों से अपेक्षा रखने से किसी का भला नहीं होता है, है ना महेश? समझ गया साईं, आप ठीक कह रहे हैं, पहल मुझे ही करनी होगी। राम जी तुम्हारे इस प्रयास को सफल और सफल करें। दाजी आप अपने काम निपटा लीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम्हें तो खंडोबा मंदिर में दर्शन करके नगर जाना है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने। वो बाद में दाजी, अभी नौकरी से जरूरी कुछ और है। मैं भी चलता हूं साईं। सावरी, सावरी, मैंने सुना तुम राम रक्षा का पाठ करने के लिए मना करने वाली हो। जी वही बताने सावरी जा रही हूँ। नहीं सावरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस काम के लिए राम जी ने खुद तुम्हें चुना है सावरी, तो तुम क्यों इस तरह से अपने? लेकिन क्या कहूंगी मैं पूजा में, राम रक्षा का एक शब्द नहीं आता मुझे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ साबरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आप? क्यों, तुमने भी तो मेरी मदद की थी ना। वो तो सिर्फ पानी था। मदद मदद होती है साबरी,
और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह सिखाऊंगा कि तुम आंख बंद करके भी पाठ कर दोगी। मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाती, तो कैसे होगा? सावरी, जरा मेरी मदद करोगी? तुम भी आओ महेश। आई साई। सावरी, इसमें पानी भर दोगी? जी। क्या लगता है सावरी, पानी आगे बढ़कर निकल जाएगा? नहीं साई, ये बांध बीच में है। पानी तेज धार से डालो। टूटना ही था सावरी, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, नामुमकिन कुछ नहीं है। जैसे पानी को इस बांध ने रोक रखा था, वैसे ही तुम्हारे अपने डर ने तुम्हें रोक रखा है। महेश तुम्हें सिखाना चाहता है तो सीख लो ना, डर रूपी बांध को ज्ञान की शक्ति से ही तोड़ा जा सकता है। राम रक्षा रूपी ज्ञान तुम्हारे मन के डर को भी तोड़ देगा और अपने साथ साथ तुम्हारी बाकी अड़चने भी ले जाएगा। अब तो मान जाओ। ये हुई ना बात, चलो अभी से शुरू करें। तुम्हारे घर में कौन कौन है? आई है। तो फिर चलो, मैं वहीं बैठकर पूरा पाठ पढ़ा दूंगा। अच्छा साईं, चलता हूं। मेरे घर? सब समझ आ गया। उत्सव के दिन उत्सव की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी साहब, हम तैयारियां शुरू करते हैं। चलो। सरकार आप पर दायित्व सौंप रहा हूं, इन लोगों से तैयारियां समय पे पूरी करवाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए बलवन जी। वैसे इस उत्सव के लिए अंग्रेज सरकार से कितनी धनराशि आई है? इस बहाने अपनी जेब भी थोड़ी भर लूंगा। कुछ भी नहीं, ये उत्सव हमारी तरफ से है। गांव वाले अगर चंदा देना चाहे तो उनका स्वागत है। मैं खुद अपनी ओर से 500 रुपए का योगदान दे रहा हूं। मेरे पास इतने तो नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से भी 50 रुपए लिख लीजिए। और कुलकर्णी सरकार, आपसे कितने की उम्मीद रखूं? ये तो मेरी ही जेब काटने पे आ गया है। एक काम करता हूँ, बड़ी रकम बोल के ठोस जमा देता हूँ। खर्चे तो मुझे ही देखने हैं, तब वापस अपनी जेब में कर लूंगा। हरिओम।
मेरी ओर से भी 500 रुपए। वाह वाह, आपसे यही उम्मीद थी। केशव, मैंने तुम्हारे बाबा के ऊपर सारी तैयारियों की जिम्मेदारियां दे रखी है, तो उनके साथ साथ बही खाता संभालना उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए बही खाता तुम संभालो। मैं जानता हूं तुम ये बात सुनिश्चित करोगे कि एक एक पाई उत्सव के आयोजन के लिए ही खर्च हो रही है। क्यों नहीं कहता? गई भैंस पानी में। मैं भी योगदान देना चाहूंगा। जी साईं, आइए ना। फकीर, ये रामनवमी का उत्सव है, चंदा ले रहे हैं भीख नहीं। ये तेरे 2 सिक्के किस काम के? कुलकर्णी सरकार, दिखावे के लिए दी गई बड़ी रकम के आगे दिल से अर्पित किए 2 सिक्के भी कई गुना अधिक प्रिय है राम जी को, है ना बलवन जी? जी। वैसे वो राम जी की मूर्ति कहाँ है बलवन जी? सुनिए, देखिए, आप बस्ती में नहीं जा सकते। ये तो तुम कब से कह रही हो सावरी, लेकिन मैंने कहा ना, मैं ये जात पात की बातों को नहीं मानता हूँ। लेकिन बाकी लोग तो मानते हैं ना, आपको इस तरह बस्ती में देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सावरी, किसी को कोई गलत चीज ना लगे इसलिए मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि तुम्हारे घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग है, हम तुम्हारी आई के सामने राम रक्षा पाठ करेंगे, इसमें क्या गलत है? लेकिन एक ऊंची जात वाले सावरी, देखो बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारा हक और मान दिलाना चाहता हूँ, पर ये कैसे होगा अगर तुम खुद अपने आप को छोटा समझोगी? पर ममता जी, क्या जो मैंने देखा वो आपने भी देखा कि महेश बापू बस्ती में जा रहे हैं? हाँ, और साथ में ऊपर वाली लड़की भी है सावरी। घर पे रखिए, उत्सव के दिन ले आऊंगा। फिर तो रामनवमी की और भी प्रतीक्षा रहेगी मुझे। वैसे आपकी प्रशंसा करनी होगी बलवन जी, गांव के बाहर की बस्ती से लाई हुई मिट्टी से जो मूर्ति बनी थी उसे आपने अपने घर में जगा दी। आपकी जगह कोई और होता तो उस मूर्ति की मिट्टी में भी जात ढूंढता और उस मूर्ति को किसी कुएं में विसर्जित कर देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं जो सोचता हूँ, जो करता हूँ, वो इस फकीर को कैसे पता चल जाता है?